हमें जब भी गर्मी लगती है तो एक्टिवेट होता है हमारा कूलिंग सिस्टम, यानी कि हमारा पसीना। जितनी ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा पसीना। लेकिन क्या हो जब पसीना हमें ठंडा ही ना कर पाए? इनफैक्ट कुछ हद तक तो ये ऑलरेडी होता है हमारे साथ ह्यूमिड कंडीशंस में। पर ऐसा क्यों? अब देखिए, ह्यूमिडिटी मतलब हवा की पानी होल्ड करने की कैपेसिटी। 100% ह्यूमिडिटी का मतलब कि हवा इससे ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकती। ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब हवा में ज्यादा मॉइस्चर। तो ऐसे में हमारी बॉडी से पसीना कम इवेपोरेट होगा, जिससे बढ़ेगा बॉडी का कोर टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर के इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। जैसा इसका नाम है, इसको मेजर भी वैसे ही किया जाता है, थर्मोमीटर के बल्ब को गीले कपड़े में लपेट के। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी लिपटी होती है पसीने में। और इस सारे ज्ञान का रीजन, हर साल एक्सट्रीम होती वेदर कंडीशंस में हीट के साथ ह्यूमिडिटी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। पर हमारी बॉडी की लिमिट है 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट समझने के लिए जरूरी है वेट बल्ब टेम्परेचर।